हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, 1000 सब्सक्राइबर हमें करना होता है अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, एंड 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट करना होता है मोनेटाइज करने के लिए। दोस्तों, सबसे बड़ा टास्क होता है ये हमें यूट्यूब की तरफ से, जो कि हमें अचीव करना पड़ता है। आफ्टर दैट हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें हो सकता है उसके बाद आपको एड्रेस वेरिफिकेशन भी अप्लाई करना पड़े, जिससे कि एड्रेस वेरीफाई होने के बाद ही पेमेंट का मेथड स्टार्ट होता है। उसके बाद भी दोस्तों क्या होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपका एरिया या लोकेशन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पास पिन नहीं आ पा रहा, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, वेरिफिकेशन पिन होने के बाद हमें क्या करना होता है, मोनेटाइजेशन अनेबल करना होता है। अनेबल करने के बाद उस पर 4 या 5 आवर्स लगते हैं। अनेबल होने के बाद फिर क्या होता है फ्रेंड्स, हमें बैंक डिटेल ऐड करनी पड़ती है। पर बैंक डिटेल ऐड करने के लिए मिनिमम आपके पास $10 होने चाहिए। $10 होने का मतलब है आपके पास आपने ऑलरेडी $10 अर्न किए होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं अपनी। और दोस्तों क्या आपको पता है, अगर आपको विड्रॉल करना है अमाउंट अगर यूट्यूब से, तो आपके अकाउंट में $100 मैंडेटरी। अगर आपके पास $100 होंगे तभी वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। और दोस्तों काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है, सपोज़ करो आपने अगर $100 होने हो गए पर आपको ये नहीं पता कि आपके पैसे कब आएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो 12th डेट होती है, ईच मंथ 12th डेट, उस पर दोस्तों क्या होता है, आपकी मंथली अर्निंग अपडेट होती है कि आपने इस मंथ में कितना कमाया, पिछले मंथ में कितना कमाया। जैसे अभी मार्च है, तो उसके अभी 12th मार्च को पता चला हुआ फैब में कि हमने कितना अर्न किया। हर मतलब हर 12th डेट को अब यूट्यूब अपडेट करता है कि आपने कितना अर्न किया है प्रीवियस मंथ में। अब दोस्तों पेमेंट की बात करें, पेमेंट की दोस्तों बात करते तो जैसे होता है हर मंथ 20 से लेकर 25 के बीच में यूट्यूब अमाउंट जो $100 होता है मिनिमम, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। कोई फिक्स नहीं है, बट 20 तारीख से बीच लेके 25 तारीख के बीच में वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है। वैसे तो 22 है, बट मिनिमम 20 से लेके जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है 21 को स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने मेरे फ्रेंड का हुआ है, तो मैंने उसका देखा 21 से स्टार्ट होता है, 23 के बीच में आ जाता है। एक बार मैं दिखाता हूँ, मेल भी आता है उसको बकायदा, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, पूरा मेल आता है। जैसे लिखा है आपने देख सकते हैं, गूगल एडसेंस चेक योर रिसेंट पेमेंट, चेक योर रिसेंट पेमेंट लिखा है, वी सेंट अ पेमेंट फॉर योर अकाउंट नेम अर्निंग March 21, 2012, इफ़ यू हैव नॉट रिसीव योर पेमेंट विद इन 5 business days फ्रॉम द डे ऑफ दिस ईमेल, प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर मोर डिटेल। कहने का मतलब है, जिस दिन ये ईमेल आया है मुझे, ठीक है, उस दिन से अगर 5 दिन के अंदर अगर मुझे पैसा नहीं आता है, तो मुझे अपने बैंक से जाके कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, अगर आपकी सब कुछ ओके है, बैंक से रिलेटेड कोई क्वारी नहीं है, कुछ भी KYC सब कुछ अपडेट है, तो आपको 2 से 3 डेज के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, YouTube पैसा तो भेज देता है, पर क्या वो पूरे $100 भेजता है? दोस्तों नहीं, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो आपको $3 डिडक्ट करके भेजता है, जो कि टैक्सेस लगते हैं कभी भी, और टैक्सेस लगते हैं $3 प्लस। जब आप कभी भी अगर आपके पास फर्स्ट टाइम यूट्यूब से पेमेंट आती है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे आप, तो उसमें दोस्तों दिखाएगा उसने किस हिसाब से आपको पेमेंट भेजा है। सपोज़ करो कि डॉलर है, डॉलर का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो मैंने चेक किया था तो उस पर आज $96 चल रहा है, बट जो पेमेंट आती है वो करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है फ्रेंड। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो उसने कितना डॉलर भेजा है, और अमाउंट डॉलर में भेजा है या यूरो में भेजा है। वैसे तो डॉलर में ही आता है, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा कितना डॉलर उसने भेजा और कितना टैक्स लगा है। जैसे प्राइस मार्केट का अप डाउन होता रहता है डॉलर का, तो उसको पूरी चीज़ लिखेगा, इतने डॉलर का प्राइस है और इतने डॉलर हमने ट्रांसफ़र किया और इतना आपको टैक्स लगा है। जैसे कि मैंने चेक किया है, तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आपको भी पता चले कि आपके फर्स्ट, अगर कभी आपका इन फ्यूचर
यूट्यूब पे आपका $100 कंप्लीट हो जाता है, तो आपको कितना वेट करना चाहिए और कितना वेट नहीं करना है। ओके फ्रेंड, अगर आपके भी $100 कंप्लीट हो गए हैं और कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो मुझे आज ही कमेंट करके बताइए, मैं सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। एंड फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने एक रिसेंटली न्यू चैनल स्टार्ट किया है जो कि जॉब्स के बारे में है, उस पर भी उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स।